की ये बात हो रही है, छठवें चरण तक सारी प्रक्रिया हो चुकी है। और आपको मैं याद दिला दूं कि वही गर्दनी बाग इलाके में आप देख लीजिए कि वहां पे रेलवे की भर्ती के लिए कैसे लोग बैठे, विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो राजनीति का मत कीजिए यहाँ पे इन मुद्दों पे, खासकर जहाँ बिहार के युवाओं के भविष्य की बात हो रही है। मैं कह रही हूँ कि इस नियुक्ति में प्रक्रिया में, क्योंकि अभी हम लोग नीतीश जी को भी सुन रहे थे, नीतीश जी ने कहा कि सारी चीजें हो चुकी हैं, इसका मतलब सरकार कार्य कर रही है, कुछ देरी हो रही है, और उस देरी को स्वीकारते हुए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा और आपको धैर्य रखने की जरूरत है और आपकी बातों को सुना जाएगा। लेकिन इस तरह की जो सवाल और जवाब जो करते हैं अरविंद जी, जो कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी किनकी है, नहीं होगी, आप 3 महीना पहले आप कहाँ थे? आप सो रहे थे क्या सरकार में? आपकी जवाबदेही नहीं है। और डबल इंजन की सरकार थी तब तो आप हमारे कार्यों के आधार पर कह रहे थे कि बिहार में बहुत प्रगति हो रही है, तो उस समय आप कह देते कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बिहार क्या सत्ता से बाहर हो जाते हैं। और सत्ता से बाहर जब भी हम गए हैं, हम आपके साथ से साथ हो रहा है, आपने कभी साथ नहीं छोड़ा है हमारा। अरविंद शर्मा जी जवाब सर, इसका अरविंद शर्मा जी जवाब इसका, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद सर बच्चे सड़कों पर है, 3 महीने तक डबल इंजन की सरकार थी, आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई उनके हाथ में विभाग था, ये वो कह रहे हैं कि इनका हाथ में विभाग था, क्या वाकई में आप लोग से मूक दर्शक बने हुए थे सरकार के अंदर बैठकर? संजय जी दो बातें मैं करना चाहूंगा, अभी मैं अनुप्रिया को सुन रहा था, आप ये बता देना कि 4 घंटे तक अगर डकबंगला चौराहा तक विभिन्न क्षेत्रों पूरे बिहार से अभ्यर्थी आए और बैठे रहे, किसने आपको रोका था कि आपके प्रतिनिधि वहां जाएं, उनसे वार्ता करें? आज का मुद्दा है, आज के मुद्दे पर डिबेट हो रही है। अगर आपने कहा कि डाइवर्ट, ठीक है, हम डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्यों करना चाहेंगे? अगर छात्रों को नौकरी मिलेगी तो राज्य का विकास होगा, पार्टी अपनी जगह पर है, अगर बिहार का विकास होगा तो सभी प्रभावित होंगे। हमें एक चीज नहीं, आप एक चीज हमें बताएं कि आज डाक बंगला चौराहे पर 4 घंटे तक, जैसा हमारे एंकर महोदय ने पूछ रहा है, 4 घंटे तक छात्र बैठे रहे, उन 4 घंटों में सरकार के प्रतिनिधि वहां क्यों नहीं गए? क्या भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल आपसे यही है कि जिन सवालों को आप उठा रहे हैं, तो 3 महीना पहले आप सो रहे थे सरकार में थे, तो आप संवेदनशील बनने आए हैं, नहीं चलने चाहिए थे? नहीं, आप 3 महीना पहले हमारे साथ में, तो आप इसमें क्या कर रहे थे? आपने, अगर मान लीजिए हम सो रहे थे, तो आपने क्यों नहीं बताया हमें कि हमें फिर देखिए, अरे आज ये सातवें चरण की बात हो रही है, छठे चरण तक में सारे नियुक्ति हो चुकी है। और मैं आपको याद दिला दूं कि आप इस तरह से जो कह रहे हैं कि सातवें चरण की नियुक्ति नहीं हुई है, आप उधार ले, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बस नोटिफिकेशन का इंतजार है। नियुक्ति नहीं हुई है, ये कह रहे कि प्रोसेस शुरू हो रहा है, प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेकिन सवाल तो ये कि अभ्यर्थी कह रहे कि हमें पता है कि प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। अनुप्रिया जी सवाल यही है, नितेश मैं गलत बोल रहा हूँ? अभी प्रोसेस भी नहीं स्टार्ट हुआ है, यही तो उनका डिमांड है कि डिले नहीं हो। देखिए छठे चरण का मुद्दे को भटकाना नहीं, आज अगर अभ्यर्थियों को मैं बता रहा हूँ, मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि छठा चरण का प्रक्रिया खत्म हो चुका है, प्राथमिक के लिए छठा चरण का प्रक्रिया खत्म हो चुका है, सातवां चरण के लिए रिक्ति गणना हो चुका है, रोस्टर क्लियर हो चुका है, नियमावली तैयार है, और साथ में वेब पोर्टल तैयार है, हर कुछ तैयार है। लेकिन पिछले मतलब हम 1.5-2 महीने से देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग उसको रोक कर रखा है, जैसे बोला जाता है ना कि सरकारी टेबल पर कागज जाता है तो वही रोक दिया जाता है, तो वही हाल हो गया है, उसको रोक दिया गया है। जब तक उस पर मुहर नहीं मारते हैं, शिक्षा मंत्री जी साइन नहीं मारते हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी साइन नहीं मारते हैं, वो एक टेबल से फिर ऊपर चला गया है, अब ऊपर से जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक वो हम लोग का प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगा। जब आप लोग शिक्षा मंत्री के पास गए थे पिछली बार, मैं चाहूंगा पूरा बिहार इस वक्त सुन रहा है, लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे राजनेता हो, चाहे हर वर्ग जो भी जुड़ा है, पूरा बिहार सुने इस वक्त, जब आप लोग शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे क्या जवाब था उनका, जरा बताइए। देखिए उनका फिर से अब नया जवाब आया है, बोले कि पहले बोलते थे कि 2 करोड़ वालों से मांगिए, अब बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों परेशान है, हम लोग जल्द कर रहे हैं, क्यों परेशान है, जल्द कर रहे हैं। अब बताइए, हम लोग जल्द, हम लोग सुबह में 250 ग्राम सब्र जल्द, दोपहर में भी आधा किलो नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं सब्र और शीघ्र से, अब बताइए, फिर रात को भी भोजन में वही मिलता है, आखिर हम लोग
मतलब इसका औचित्य क्या है? हम एक बात बोलते हैं कि आखिर आप लोगों को परेशानी क्या है, हमको एक निश्चित कट ऑफ डेट डाल दीजिए, इस डेट से आपका फॉर्म भरेगा, शेड्यूल निर्गत कर दीजिए ना, आप अपना काम करते रहिए, शिक्षा विभाग सारा चीज दुरुस्त करे 6 महीना। अनवर हुसैन साहब, ये अच्छी बात है कि आपकी सरकार में सारे प्रोसेस हो रहे हैं, आज भी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे मुख्यमंत्री साहब और डिप्टी सीएम साहब, बड़ा अच्छा लगा देख के। कम से कम कोई तो ऐसा राज्य है जहां पर युवा कम से कम नियुक्ति पत्र पा तो रहे हैं।